अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार वीयू एलमनाई, मैं इसको एलम नहीं पढ़ता था, ये एलमनाई होता है। अच्छा, वीयू एलमनाई इस्लामाबाद में भी हुई है फ्राइडे को, और हम गए थे मैं और बिलाल अहमद जो हमारे वीयू सेट के टीम मेंबर है। बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पे। बेसिकली एलमनाई होती है, एक अगर कोई ग्रेजुएटेड पर्सन है किसी यूनिवर्सिटी से तो वो एलमनाई होता है, ठीक है, एलमनाई स्टूडेंट होता है। तो ये होती है बेसिकली पास आउट स्टूडेंट्स के लिए होती है, ये जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके होते हैं उनके लिए होती है। मैं भी चला गया था क्योंकि मेरा दोस्त गया था। मेरी तो भी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई लेकिन मेरा दोस्त गया था, मैं उसके साथ भी चला गया था। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उससे पहले कि अभी हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। शॉर्ट सी वीडियो, ये लाजमी देखना सारी। बहुत मज़ा आया था, यकीन करें बहुत मज़ा आया था। ऐसे टॉपर स्टूडेंट्स को अवार्ड मिले थे, और टॉपर स्टूडेंट में वो स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट ऐसा था यार जिसका जो मतलब कि देख नहीं सकता था, ब्लाइंड स्टूडेंट था, और वो उसे टॉप किया था। मतलब कि यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब इतनी खुशी भी हुई ना, एक तो देखे, और दूसरा अपने आप पे एक शर्मिंदगी भी फील हुई अपने आप में। यार वो स्टूडेंट जो देख नहीं सकता उसने टॉप की है, और एक और स्टूडेंट थी जो फीमेल स्टूडेंट थी वो डिसेबल थी, डिसेबल होने के बावजूद उन्होंने वीयू में टॉप किया हुआ था। मतलब अच्छे 2018 की थी शायद, उन्होंने ग्रेजुएट किया था वहाँ से, तो उन्होंने भी टॉप किया था। डिसेबल स्टूडेंट थी, चल नहीं सकती थी वो। वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। स्टार्टिंग में पहले हम गए वहाँ पे, एक सिंगर था उसने सिंग किया। इसके बाद फिर चीफ गेस्ट आने थे, चीफ गेस्ट आए, चीफ गेस्ट आने के बाद फिर दोबारा सॉन्ग चला, थोड़ा सा सिंगिंग हुई। इसके बाद फिर हमारा सॉन्ग का कंपटीशन हुआ, फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में ओवरव्यू मिला हमें, फिर क्विज कंपटीशन हुआ। सिंगिंग वाली भी वीडियोस मैंने इसमें कवर की हुई हैं, किस किस ने गाना गाया था और उनको एयरपॉड्स गिफ्ट में मिले थे। बेसिकली से एलमनाई का जो मकसद था वो यही था कि पुराने स्टूडेंट्स आएँ, उनमें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, और मतलब कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में उनको बताएं, और मतलब जो पुरानी मेमोरीज है उसको रिन्यू करें। और कोई इसका मकसद नहीं था। खाना वगैरह टाइट था, वो भी मैंने इसमें कवर किया हुआ। कबाब शबाब, चिकन चिकन रोस्ट एंड चावल एंड चिकन पुलाव था, एंड साथ गजरेला था, एंड इसके साथ खीर थी, कस्टर्ड था, सेवन अप थी, पेप्सी थी, और मज़ा आ गया। और मैंने CS601 के सर हैं सर हमाद, उनके साथ भी पिक्चर ली है। वो आपने मेरी फेसबुक पे या फिर आपने मैंने कम्युनिटी डाली है वहाँ पे आपने देख ली होगी। अब ये आगे जो अब आपको स्टेप नज़र आ रहा है, ये आपका जो है वो अभी यू एलमनी स्टार्ट होती है, देखें जाके, बल्कि अभी शुरू होने लगी है। ये एंट्रेंस थी जहाँ पे हम आए, यहाँ पे सर वगैरह खड़े हुए थे और ये वीयू अपनी अलमनाई के बोर्ड लगे हुए थे। यहाँ से एंट्रेंस थी और सामने हॉल था, वहाँ पे जो फंक्शन होना था वो होना था। और ये वीयू की बॉटल्स थी, हमने समझा ये फ्री हैं, हम उठाने लगे थे तो वो कहते हैं नहीं ये पेड हैं, 300 की बॉटल 350 की, और ये कप जो था ये 700 रुपये का था और पेन 350 रुपये का था। फिर हमने कहा छोड़ो यार क्या फ़ायदा लेने का, फिर हमने नहीं लिए, बहुत महंगे थे। अभी रेट लिस्ट पे जाते हैं, रेट लिस्ट में दिखा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था एलुमनी का, जो जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने ये फिल किया, ये रेट्स हैं इनके चीज़ों के जो कि हमें थे। ये सवेनियर डेस्क था, यहाँ पे हमने एंट्रेंस करवाई थी, ये कसम से हॉल है। यार, आप सर के साथ दे सकते हैं मेरा इसमें। कहते ना आंखों से समझ लेना।
तुरंत को से भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी सदा समझा वो लड़का है। आवाज नहीं आ रही सर जी। फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी इन 2000 That's first time my brother took me to the Peshawar campus at University Road. So there I got admission and they are very polite, their administration, virtual university. I'm much obliged to see that virtual university is a great university and they helped me much to get education. And for the first time, I got bachelor from virtual university. Thank you very much. Now I job in Nasirullah Babur Memorial Hospital, Quad Road, Peshawar, telephone operator. जो बीना लोग होते हैं जिनकी आंखें होती हैं वो तो किताबें पढ़ लेते हैं। तो आप जो है आपने इल्म किस तरह से absorb किया? I got knowledge from I get data from virtual university and then I put it in my laptop and then I heard through hearing. तो इसका मतलब कि लैपटॉप जो था उसने वो जो टेक्स्ट था कंप्यूटर में उसको पढ़ के उसको आवाज में कन्वर्ट किया और वो आपने सुनी। Yes, because we put jaws in computer, then it's speech. JAWS, jaws access with speech. Through this we got anything in computer, any written form that's in computer, that's we get. Assalamu alaikum, I'm Sarah Saklam from Qadar Saida. First of all, I would like to thanks to Virtual University of Pakistan, jinhone mujhe ye special award diya. Without their support and without my family's support, I can't achieve this. This was not easy for me to achieve this goal. So I faced many challenges during this journey. However, they are mentally or physically, but with support of Virtual University and my family, I achieved this. So I really thankful to my family, especially for my mother, jinhone zindagi ke har step pe मेरी मदद की, हर जगह मेरे साथ रहे। और स्पेशल थैंक्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के विजुअल मार्ग कैंपस सेंट्रलर सहिता, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया और मुझे फील नहीं होने दिया कि आई एम अनडिसेबल पर्सन। समझ लेना तेरे नाम में मैं हूँ।
थैंक यू वेरी मच। आपकी बरसों तालियों में मिस्टर जमशेद। चले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका यार ये कितना फोर्सफुल बना है आज ना तुझे बिन जाने बिन पहचाने तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखला तस्वीर जैसे हो दीवार पे अल्लाह चल ना उड़ बस कर आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मैं आपको शायद बहुत बहुत